हमने कहा जिसके साथ लाखों करोड़ों बाहों का बल हो वो बाहुबली नहीं तो बाहुबली कौन है। हम हैं, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है। अगर मेरे लोगों की आन मान शान इज्जत आबरू पे कोई आंच डालने की कोशिश करेगा तो उस आंच को बुझाना हम जानते हैं। आज तक बुझाया है, आगे भी बुझाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता इस बात से। और रही बात चंद दिनों की बात बची रह गई है, आज जो उछल रहे हैं कूद रहे हैं मेरे नौजवान साथियों के ऊपर कुछ बिचके बैल जो है वो फुफकार रहे हैं, मेरे नौजवान साथियों की तरफ कुछ बैल अपनी सींग काढ़ के खड़े हैं, समय वक्त आने दीजिए, खूंटे में यही ना बांध दिया तो आप भी कहिएगा। और जिस दिन लखनऊ से आ रहा था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिला था, अच्छी लंबी बात हुई और कहकर आया था कि भैया कुछ दिनों तक थोड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग रोके रखिएगा, पहले जिन्होंने जिनके करियर बर्बाद किए हैं, जिन्होंने जिनके ऊपर मुकदमे लगाए हैं, पहले उनकी भी तो जांच पड़ताल कर लिया जाए, क्योंकि आप सब यहां बहुत परेशान हैं, पैसा लिया गया है छोटे छोटे बातों के लिए, बुनकरों के ऊपर जुल्म करने के लिए इन्होंने साजिशें रची हैं, पेट पे हमला किया है, फ्लैट रेट की बिजली खत्म करके डायरेक्ट पेट पे हमला किया है। और वाह रे आवाम इस उत्तर प्रदेश की, इस गंगा जमुना तहजीब की आवाम कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक उखाड़ कर फेंक दिया है, इतना बुरी तरह से उखाड़ा है कि बौखला गए हैं, भूल बैठे हैं कि जिस संविधान की शपथ लेकर उस संविधानिक कुर्सी पर बैठे हैं उसी आवाम को ये बुलडोजर से डराने की धमकी दे बैठे हैं। आज अपने मन से कहा है कि 6 महीने तक अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं होगी, पहले उनका हिसाब होगा, इससे क्या अभिप्राय है? देखिए, सबसे पहले चीज तो मैंने ये नहीं कहा कि नहीं होगी, मैंने कहा कि मैंने ऐसा कहा है, होगा कि नहीं होगा ये तो बात की बात है। क्यों? क्योंकि पिछले 6 महीनों में यहाँ जिस तरीके से लोगों को परेशान किया गया है केस मुकदमे लगाकर, ख़ास तौर पर कुछ लोगों को छोड़ करके, एक जाति विशेष लोगों को छोड़ करके बाकी सभी को प्रताड़ित किया गया है प्रशासन के द्वारा, और उनके पुराने केसों को, छोटी मोटी चीज़ों को, झगड़े लड़ाई को दिखा करके उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। इस सब मसलों की जांच होगी, इसलिए जब अधिकारी अपनी कुर्सी से चले जाते हैं दूसरे अधिकारी आ जाते हैं तो उस जांच में बाधा आती है। तो इसके लिए सीधी सीधी बात है कि जांच वही अधिकारी के रहते हुए हो जिसने ये काम किए हैं। ये बातें आपने अखिलेश यादव से मिलकर कही थी? मैंने उनसे कोशिश की है, मैंने उनसे कहा है। क्या कहा था उन्होंने? कुछ नहीं कहा उन्होंने, उस टाइम चुनाव का माहौल था, आगे जो बात होगी तो चुनाव के बाद होगी तो सारी बातों पर बात होगी। और ऐसा प्रदेश में बहुत सारे जगहों पर ऐसा हो रहा है, कोई ये एकलौती जगह नहीं है। देखिए, पिछली सरकार में सरकार को खुश करने के लिए ख़ास तौर पर कुछ अधिकारियों ने अपने कुर्सी का, अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करके जनता को प्रताड़ित किया है, और उस प्रताड़ित हुई जनता की ये आवाज़ है कि जांच हो इसकी और जो इसमें गलत पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी आगे के लिए मैसेज होगा कि कोई भी अपने पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपनी पद की गरिमा को तार तार ना करते हुए जनता के साथ कोई नाइंसाफी ना करे।